बच्चों, क्या हाल है? कैसा चल रहा है घर पे? लॉकडाउन सिचुएशन हम सब फेस कर रहे हैं। खैर, इन सब चीजों के साथ साथ ही हमें पढ़ाई भी जारी रखनी है अपनी। अगर आपको आगे बेहतर करना है, आप जानते हैं कि टाइम बाउंड डिसीजन का सारी चीजें चलती हैं, और आपके पास टाइम कम होगा स्कूल खुलने के बाद, तो हमारी पूरी कोशिश होगी हम कंटेंट को जहां तक हो सके यूट्यूब के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खैर, अब टॉपिक की बात करते हैं। खैर फिलहाल सब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपने घर पे बंद हैं, बट थोड़ा सा प्रेशर भी फील कर रहे हैं। मुझे पता है कि जो पैनिक सिचुएशन चल रहा है अभी आज के वक्त में, उसके लिए थोड़ा टेंशन भी बना हुआ है। खैर, होप फॉर द बेस्ट, हम लोग फिंगर क्रॉस करके अच्छे के लिए, बेहतर के लिए हम पहुंचे, और हम अपने गॉड से, खुदा से बेहतर तरीके से दुआएं करें कि अच्छी सिचुएशन हमारे पास आती रहे। खैर, इन सब बातों के बाद अगर हम लोग अपने टॉपिक पे, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। बेहतर टॉपिक आज का मेरा है एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट। जैसा कि आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जान चुके हैं पहले ही, तकरीबन चार प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा, जैसा कि हम जानते हैं, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, जो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट क्या है कि अगर आप एक प्योर सॉल्वेंट लें, जैसे हमारे पास प्योर सॉल्वेंट ये प्रेजेंट है, वाटर, दैट इज अ प्योर सॉल्वेंट। सेकंड कंडीशन, अगर हमारे प्योर सॉल्वेंट है, जाहिर सी बात है वाटर प्रेजेंट है हमारे पास, H2O। अगर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें, तो जो पहले ही मैंने थोड़ा रिलेटिव लोअरिंग पे बात कर चुका हूं यहां पे, कि आप ये जानते हैं कि यहां पे कुछ एरिया, सरफेस एरिया जो सॉल्ट के पार्टिकल कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रीवियस प्रॉपर्टीज में डिस्कशन हो चुका है, द वेपर प्रेशर इज लोअर डाउन। किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। ये हमारे पास ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है यहां पे, दैट इज कॉल्ड P0A, दैट इज कॉल्ड PS। यहां ये जानेंगे वेपर प्रेशर के कम होने की वजह से जो वेरियस प्रॉपर्टीज चेंज कर जाती है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं यार। वो प्रॉपर्टीज क्या है? उनमें एक टर्म आता है जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप सब जानते हैं, किसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये बात डिस्कशन आप पहले से जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ऐसे कंडीशन में हम उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी लिक्विड। यहां ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम यहां पर T0B मानते हैं, मतलब प्योर सॉल्वेंट है, और यहां पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड TB कहलाता है। तो ये लिख लीजिए यहां पर T0B इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर हम TB की बात करें, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखिए, आप जानते हैं कि इसके पास वेपर ज्यादा होगा, बिकॉज इसके पास सरफेस एरिया के पास सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जो वोलेटाइल हैं, जो उड़ सकते हैं, जो वेपराइज कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे एक नॉन वोलेटाइल पार्टिकल, जो ब्लैक वन इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल के आने की वजह से क्या हुआ, यहां पे सरफेस एरिया पूरा कवर हो गया, जिसकी वजह से सरफेस एरिया मिनिमाइज किया, तो हमारे पास सॉल्वेंट बहुत कम बचे हैं जो वेपर बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, पिछले टॉपिक पर डिस्कशन हो चुका है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। तो कम होने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ दिस सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से ऐसा हुआ, जहां पे हमने रिलेट किया था पिछले वाले टॉपिक में RLVP पे, कि आपने देखा था कि रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर इज टोटली डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगा, वेव प्रेशर उतना कम होगा। तो जाहिर सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट का रिश्ता भी वेपर प्रेशर के साथ है। जब वेपर प्रेशर से इसका रिश्ता होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे नजर आएगा। इसी को यहां समझाने के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। देखिए, ये हमारे पास है टेम्परेचर और ये हमारे पास है वेपर प्रेशर। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन आपके पास है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप कोई भी प्योर सॉल्वेंट लें, तो ग्राफ ऐसे आएगा। इस पॉइंट पे ये हमारे पास, दैट इज द ग्राफ ऑफ सॉल्वेंट है यहां पे। अगर आप सॉल्यूशन ग्राफ लेंगे, तो यहां पे आएगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस पॉइंट पे जब वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सच टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इस टेम्परेचर की अगर हम बात करें,
दैट इज कॉल्ड T0B, ये प्योर सॉल्वेंट है। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं, जब वेपर प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्वेंट का तो जल्दी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से T0B की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर इसका कम होगा। सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वेपर प्रेशर, व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मॉलिक्यूल के प्रेशर के बराबर, जब तक यहां पे वेपर सॉल्यूशन में नहीं बनेंगे तब तक बॉइल नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर रेज कर जाता है। तो T0B वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन TB, या आप कह दीजिए TB इज ऑलवेज मोर देन T0B। ये इंपैक्ट क्यों हुआ, आखिर ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ क्यों गया, सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम क्यों है, इसके पीछे रीजन वही है जो पहला प्रॉपर्टीज था, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो डिक्रीज करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसे ज्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा, जब तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा वाला वेपर प्रेशर नहीं जनरेट करेगा तब तक क्या उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं कर पाएगी। तो इसी चीज को यहां पे ये मैथमेटिकली डिफाइन किया। अब रहा सवाल, इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे आप कि वाकई में ये टेम्परेचर का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो उसके लिए मेन कल्प्रिट कौन है, कौन किसकी वजह से यह कमी आई। तो जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, आप समझ सकते हैं कि सोल्यूट के पार्टिकल जब सर्फेस एरिया पे ऑक्यूपाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब सरफेस एरिया मिनिमाइज करेंगे, इसका मतलब मेन था सॉल्यूट, सॉल्यूट के आने की वजह से इस बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस आते हैं, खासकर सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन के बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात जरूर समझ गए होंगे कि T0B, TB क्या है, और आखिर वेपर प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट से कम क्यों होता है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा क्यों होता है, इसका रीजन। तो अब यहां पर अगर देखें, देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज अगर डेल्टा टीबी डिफरेंस निकाले इस टेम्परेचर का तो आप पाएंगे TB - TB0, क्योंकि आप यहां लिख चुके हैं क्योंकि टीबी की वैल्यू क्या होती है, TB0 से ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है डिफरेंस क्या हुआ, पॉजिटिव आएगा, तो टीबी की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, टीबी, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड, इसी कहते हैं हम यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं PS - P0A, जो प्रूफ कर चुके हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो फर्स्ट RLVP से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से हम प्रूफ कर चुके हैं। इसका मतलब जब लोअरिंग का रिश्ता डेल्टा टीबी से है तो डेल्टा टीबी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में हम यहां पे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हम प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर जो कंसंट्रेशन या तो मोल फ्रैक्शन होता है या तो मोलालिटी होता है, यहां बेटर टूल के तौर पर यहां पर डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू। अब इसी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू लिखते हैं KB × M। अब मैं डिटेल इस पे बात करूंगा, ये हमारा इस पे हमें बात करनी है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए अब रहा डेल्टा टीबी तो क्लियर है, एम का मतलब क्या है, दैट इज द मोलालिटी ऑफ, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास केबी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जो बेसिकली याद रखना सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक नाम और भी है, इबिल्यू स्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ये कांस्टेंट सॉल्वेंट से निकलता है। तो केबी को भी अगर हम चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, R TB² T0B² मतलब सॉल्वेंट का अपॉन 1000 × enthalpy ऑफ वेपोराइजेशन, इस तरह से हम किसी भी सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। वाटर की अगर हम बात करें H2O के लिए, ये 0.52 वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है वाटर सॉल्वेंट के लिए। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट आप अब इसको, ये तो हम केबी की बात कर रहे थे, केबी इज ऑनली फॉर द सॉल्वेंट सब। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है इसके बाद। अब इसी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, इसको ओपन किया जाए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, मोलालिटी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू नंबर ऑफ मोल को ओपन करेंगे आप WB/MB इंटू 1000/WA, अगर हमारा WA ग्राम में प्रेजेंट है। इस तरह से आप, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिस पे मैं बात करूंगा। देखिए WB के बारे में आप जानते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट,
इनग्राम, एमबी के बारे में जानते हैं, मोलर मास, एब्सोल्यूट इन ग्राम पर मोल, और डब्ल्यू ए के बारे में जानते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इस तरह से ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में बेस्ड ऑन होगा। अब एप्लीकेशन पे थोड़ा बात करते हैं। हम सब जानते हैं, कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि अगर कोई प्योर वाटर प्रेजेंट है हमारे पास, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। अगर उसमें नॉन वाटर सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। अब ये डिपेंड करेगा कितना क्वांटिटी में, मोलर मोलरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल, जितना ज्यादा क्वांटिटी में आप सॉल्यूट उसमें ऐड करेंगे उतना ज्यादा ये टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ेगा। इसका मतलब सॉल्टी वाटर अगर प्रेजेंट है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। रन टैप वाटर हमारे पास है, कोई ड्रेन वाटर है, या हमारा वाटर अगर आप जमीन के अंदर से निकालते हैं, रॉ वाटर जो कहते हैं, सॉरी ग्राउंड वाटर है हमारे पास, कोई सप्लाई वाटर है, तो दोनों वाटर की बॉइलिंग पॉइंट बड़ा फर्क आएगा। रीजन यही कि जहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पे जाहिर सी बात उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। इसका मेन जो एप्लीकेशन मेजर क्या है, हम इससे किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास, खास करिए मोलर मास फाइंड आउट, वाइड एप्लीकेशन इसका कहा जाता है कि हम वी कैन इजिली फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। इस तरह से इस पर न्यूमेरिकल मैं बाद वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा, हर एक टॉपिक पे, हर एक टॉपिक से मैं न्यूमेरिकल डिस्कशन करूंगा जरूर इसके बारे में। होप आपको समझ में आया होगा। अगर जैसा भी आप इस पर फीडबैक जरूर दें, अगर कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, तो आप उसमें मैसेज सेक्शन में जा सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक्स।